सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन, सुनीता केजरीवाल से भी हुई मुलाकात, बीजेपी को लेकर कह दी बड़ी बात। देखिए ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी चुनाव के बाद और हमारे जेल से बाहर निकलने के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सर विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है अब, तो उस पर कोई चर्चा हुई आपकी? वो चर्चाएं तो चलती रहेंगी, वो तो बाद की बात है। और सर बीजेपी ने कल संविधान का विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों क्या चर्चा हुई है सर? विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं, अभी चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं। सर संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है बीजेपी, उस पर आप क्या बोलेंगे सर? अरे बीजेपी का हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो उन्हीं को पता है, और जनता अब वो नहीं जो इनको लगता है कि हर चीज पैसे से खरीदा जा सकता है। अब इस लोकतंत्र का, इस देश का यही खूबसूरती है कि लोग काफी संवेदनशील होते हैं और काफी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। सर आज जम्मू कश्मीर को लेकर एलजी को वहां पे और ज्यादा पावर दे दिए गए हैं, आज फिर उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी। अब क्या क्या पावर दिए गए हैं ये तो मैं नहीं जानता, मुझे आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है। अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पा रही है, आपकी कोई प्रतिक्रिया? इंटरिम बेल कल मिली थी सर उनको, अभी भी जेल में ही रहेंगे। आपको पता ही है ये क्या ड्रामा विगत दिनों हुआ है, किस तरीके से न्यायपालिका का भी मजाक उड़ाने का इन लोगों ने अपने षड्यंत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया है, वो बाहर नहीं निकले इसका हमें खेद है और मैं आशा करता हूं वो भी अब जल्दी बाहर आएंगे।